हाय गाइस, दिस इज टीके बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक क्विक रिव्यू देने वाला हूँ एज इट इज के बीटा एनिलीन का। तो बीटा एनिलीन एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है जो आप लोगों की बॉडी को एक लॉन्ग टर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये कभी लेना चाहिए हमें जब हमें हमारे वर्कआउट की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना हो, तब हमें बीटा एनिलीन लेना चाहिए। बीटा एनिलीन लेने के लिए आप लोगों को कोई एक रेगुलर टाइमिंग की जरूरत नहीं है या प्री या पोस्ट वर्कआउट में, जरूरी नहीं है। आप लोग दिन भर में कभी भी ले सकते हैं। बस इतना याद रखना कि आप लोग इसे सोने के टाइम ना ले, बिकॉज ये अगर लेने पे आप अमाउंट अगर ज्यादा हो जाता है इसका तो आप लोगों को एक टिंगलिंग सी एक सेंसेशन फील होगा अपने बॉडी के किसी भी हिस्से पे, कोई भी हिस्से पे हो सकता है, चाहे वो होठ हो, स्किन हो और आईज हो, कहीं पे भी हो सकता है, आईज के ऊपर की जो स्किन है वहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो अगर आप लोगों को बीटा एनिलीन को कंज्यूम करना है तो सबसे एक चीज आप लोग याद रखना, जब भी आप लोग अपना सुबह का पहला मील लोगे, पहले मील में आप लोग इसे 240 ml वाटर लेना, नॉर्मल वाटर लेना। उसमें आप लोग इसे अपने हिसाब से, ज्यादा नहीं लेना। अगर आप लोग न्यू हो, बिगिनर्स हो, तो आप लोग इसे सिर्फ 2 ग्राम ही लेना। अगर आप लोग को 2 ग्राम इसे लेना है तो उसका भी तरीका मैं आप लोगों को बता दूं। 2 ग्राम में से आप लोग 1 ग्राम नाश्ते के टाइम ले लेना, जो ब्रेकफास्ट में लोगे आप लोग अपने डाइट में, और दूसरा 1 ग्राम लंच के टाइम ले लेना। तो ये क्या करेगा, आप लोगों के जो फिजिकल एक्टिविटी है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा और लॉन्ग टर्म में आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अभी जैसे आप लोग प्रोटीन ड्रिंक पीते हो, BCAA लेते हो, तो ये सब सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। आप लोग पीते साथ वो बॉडी में ऑब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद उसकी जो कैपेसिटी है वो उतनी ही रह जाती है। लेकिन ये बीटा एनिलीन आप लोगों की उस कैपेसिटी को बनाए रखता है एक लॉन्ग टर्म फॉर्म में, याद रखना। लेकिन इससे आप लोगों को सिर्फ जब ही लेना है, जब आप लोग वीक में जितना दिन वर्कआउट करोगे, जितने दिन एक्टिविटी करोगे, चाहे वो जॉगिंग हो, इंटेंस वर्कआउट हो, जिम हो, इन तीनों में से कभी भी आप लोग वो दिन करोगे तो उसी दिन ही लेना है। रेस्ट डेज में आप लोगों को इसे नहीं लेना, ये चीज़ याद रखना। तो गाइस, बीटा एनिलीन ये जो है 250 ग्राम्स का एज इट इज का आता है। तो जहाँ तक बात है इसकी सर्विंग्स की, तो आप लोगों को इसमें 100 सर्विंग्स मिल जाती है अगर आप लोग इसे 2500 mg पर सर्विंग लेते हो। तो आप लोगों को इसे सिर्फ 1 ग्राम लेना है लंच में और ब्रेकफास्ट में, और 1 ग्राम किसी और डाइट में ले लेना है एक दिन के अंदर, अगर आप लोग बिगिनर्स है तो। अगर आप लोग मेच्योर है या थोड़े बहुत भी आप लोगों को जिम करके एक अच्छा नॉलेज हो चुका है इंटेंस वर्कआउट की कैपेसिटी के बारे में, तो आप लोग फिर इसे 2 ग्राम से भी ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना, मैक्स टू मैक्स आप लोग इसे 3.5 ग्राम तक ही कंज्यूम करना, चाहे कितना भी मैच्योर क्यों ना हो, बिकॉज इसकी जो टिंगलिंग सी सेंसेशन है वो इसे कंज्यूम करने के बाद आप लोगों को जरूर होगी अगर आप लोग ज़्यादा अमाउंट में लोगे तो, और वो फिर आप लोगों को इरिटेट करेगी जिसकी वजह से आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बिकॉज वो कभी कभी इचिंग भी कर सकती है आप लोगों को। और टिंगलिंग सेंसेशन यानी आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आप लोगों को सुई चुभा रहा है, ऐसा लगेगा। तो ज़्यादा अमाउंट में इसे नहीं लेना, हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए, जैसा लाइफ में वैसे खाने पीने में भी, याद रखना ये कभी भी। तो बीटा एनिलीन आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म में एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो फटाफट मैं आप लोगों को इसे खोल के इसका पाउडर फॉर्म कैसा है किस तरह से वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी तक ओपन नहीं किया हूँ। तो या चलो ओपन करते हैं। ओके, सो लेट्स अनबॉक्स। इसको भी मैंने वेरीफाई कर लिया, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ, कोई भी सप्लीमेंट्स का प्रोडक्ट मैं सबसे पहले वेरीफाई करता हूँ, उसके बाद ही उसे आप लोगों के सामने रिव्यू देता हूँ। और वेरीफाई के साथ साथ मैं गूगल पे भी रिसर्च करता हूँ कि ये चीज़ सही है या नहीं, बिकॉज मेरा वीडियो देख के आप लोग इस चीज़ को यूज़ करोगे तो मैं ये चीज़ कभी नहीं चाहूँगा कि आप लोगों को मैं कुछ गलत बताऊँ जिससे आप लोगों की हेल्थ का नुकसान हो। और जहाँ तक कि मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ मैं खुद यूज़ करने वाला हूँ। जैसे कि इसके पहले मैंने वीडियो डाला था एल-कार्निटिन का, लिंक इधर आई बटन में देख लेना। एल-कार्निटिन भी मैंने स्टार्ट किया हूँ और बीटा एनिलीन भी मैं स्टार्ट करूँगा ये वीडियो लॉन्च होने के बाद से, बिकॉज पैकेट अब भी ओपन किया हूँ मैंने। तो या पैकेट ओपन हो चुका है, देखते हैं अंदर पाउडर फॉर्म कैसा रहता है इसका। सो इसका भी पाउडर सेम एल-कार्निटिन की तरह ही है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें भी एक स्कूप है, बट एल-कार्निटिन का स्कूप बहुत ही छोटा था बिकॉज वो टीस्पून के हिसाब से रहता है, और ये जो स्पून है थोड़ा बड़ा है बिकॉज इसमें आप लोगों को 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम ऐसा लेना पड़ता है। तो ये सर्विंग है, इसमें पूरी 100 सर्विंग से अगर आप लोग इसे 2500 mg अगर रोज लोगे तो आप लोग 100 सर्विंग से रहेगा, और उसी के हिसाब से आपको इसमें स्पून में लेना है। लेने का तरीका भी बहुत सिंपल है, इसका डोसेज मैं आप लोगों को बता दूं। जब भी आप लोग ब्रेकफास्ट में अगर जूस लेते हो तो जूस में मिला दो, अगर आप लोग जूस नहीं पी रहे हो तो एक पानी लो 200 ml उसमें मिला के आप लोग इसे पी लो।
इससे क्या होगा, पूरे दिन भर के आप लोगों की जो वर्कआउट कैपेसिटी है वो तो इंक्रीज हो ही जाएगी, उसके अलावा भी जो फर्दर एक्टिविटीज आप लोग करते हो उसमें भी आप लोगों को एक अच्छा रिजल्ट महसूस होगा और जरूर होगा, बिकॉज बीटा एनिलिन कोई सस्ती चीज है नहीं, ये बहुत कॉस्टली है। जैसा कि मैं बता दूं इसका जो प्राइस है यहाँ पे 896 रुपीज है पैकेट पे, और आप लोगों को फ्लिपकार्ट पे लगभग मिल जाएगा 700 के आसपास। तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने लिंक दिया फ्लिपकार्ट अमेजोन और एज इट इज की ही, चेकआउट कर लेना एक बार। तो ये था छोटा सा रिव्यू बीटा एनिलिन का, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है सिवाय उस टिंगलिंग सेंसेशन के अलावा, और वो भी जब भी होगा आप लोगों को जब आप लोग इसका अमाउंट ज्यादा ले लोगे तो ही, वरना उसके अलावा आप लोगों को कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। ओके गाइस, तो होप आप लोगों को इसका रिव्यू अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब के बाद में नोटिफिकेशन बेल रिंग दबाना, तो जिससे आपको मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियोस की अपडेट मिलती जाएगी। सो गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर।